एक बहुत ही मच्छर वाला प्लेस बनाना है। नाउ यू पीट रेडी टू वेलकम ऑफ रेडवर्म्स बट सम रेडवर्म्स एंड देन पीट देम यू पीट कवर देम अ लॉयसली विथ अ गेल बैग्स ओल्ड शीट और क्लॉथ्स और देन लेयर ऑफ ग्रास। आपको इसके ऊपर घास डाल देनी है इस गड्ढे के ऊपर ताकि ये रेडवर्म्स को बुला सके। योर रेडवर्म्स नीड फूड। यू कैन गिव देम अ वेजिटेबल्स एंड देन फूड वेस्ट कॉफी और टी रेडमंड्स एंड देन विल्स फ्रॉम देन फाइंड आउट देन गार्डन। इट मेड हैव अ गुड आइडिया देन व्यू एट द फूड अबाउट देन 2 or 3 centimeters इनसाइड देम अ पिट। डू नॉट यूज द वेस्ट दैट मे आर देन कैन एन सॉल्ट पिकल्स ऑयल विनेगर मीट एंड देन मिल्क प्रिपरेशन दैट फूड फॉर देन रेडवर्म्स। रेडवर्म्स के लिए आप उसके अंदर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के दाने डाल सकते हैं कॉफ़ी के, लेकिन आप उसके अंदर ये ऑयल है पिकल्स है वो आप नहीं डाल सकते। इफ़ यू पुट देयर थिंग्स इन द पिट डिजाइन्स कॉसिंग द स्मेल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देन गोइंग देन पिट वन ऑफ देन फ्यू डेज जेंटली मिक्स देन मूव एंड देन टॉप ऑफ द लेयर ऑफ योर पिट। सो ये आप देख सकते हैं हमने ये रेडवर्म्स के लिए जो गड्ढा खोदा था उसके ऊपर फूड फॉर अ रेडवर्म्स के लिए आप उसके गड्ढे के ऊपर ऐसे ये लीव्स डाली है, ये हमारे किचन का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इसके ऊपर डाल देना हो और फ्यू डेज के बाद वो जेंटली मिक्स होना स्टार्ट हो गए होंगे। रेडवर्म्स डू नॉट हैव एन टीथ। रेडवर्म्स होते हैं उनके टीथ नहीं होते। दे हैव एन स्ट्रक्चर दिस कॉल अ गिजर्ड। क्या कहते हैं गिजर्ड विच हेल्प देम अ इन ग्राइंडिंग देयर फूड। द पाउडर्ड एग शेल्स एंड देन सी शेल कुड बी मिक्स विथ अ वेस्ट दिस वुड देन हेल्प अ रेडवर्म्स देन ग्रीजिंग देयर फूड। ए रेडवर्म्स कैन बी ईट द फूड देन इक्वल टू 1 weight इन देन डे। वो क्या कर रहे हैं कचरे को सड़ा रहे हैं क्योंकि उनके दांत नहीं है, धीरे धीरे जो कचरा है वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है। रेडवर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड प्लेस सराउंडिंग्स। तो रेडवर्म्स है वो वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड प्लेस पे सर्वाइव नहीं कर सकते। दे ऑल्सो नीड देन मॉइस्चर अराउंड देम। इफ़ यू देन गुड केयर ऑफ वर्म्स देन मंथ ऑफ देन टाइम देयर इज नंबर विल डबल। वो क्या है रेडवर्म्स है उसके लिए कंफर्टेबल मॉइस्चराइज्ड एक एनवायरनमेंट होना चाहिए उसके आसपास जो आप ये केयरफुली दे सकते हैं उन्हें, तो सम मंथ्स के बाद आपको रेडवर्म्स की संख्या है जो नंबर्स है वो डबल होते हुए दिखेंगे। ऑब्जर्व देन कंटेंट ऑफ देन पीट केयरफुली आफ्टर 3-4 weeks। डू यू हैव नो सी लॉस देन सोइल लाइक अ मटीरियल्स इन द पीट फॉर देन अर्थ फॉर देन वर्मी कंपोस्टिंग इज रेडी। सो आपको क्या करना है गड्ढे के अंदर रेडवर्म्स को डालने के बाद उसे खाना देने के बाद आपको 2-4 or 3 weeks के बाद देखना है कि मटीरियल्स के साथ क्या हुआ है। सो ये जो आपको 3 or 4 months के बाद दिखने को मिलेगा वो क्या होगा हमारा वर्मी कंपोस्ट इज रेडी। पीट सम वेस्ट ऑफ फूड एंड देन वर्म ऑफ द पीट मोस्ट ऑफ देन वर्म्स विल बी टोन देन पार्ट ऑफ पीट देन वीकनेटिंग ऑफ अदर पार्ट। रिमूव द कंपोस्ट ऑफ देन वीकनेट पार्ट ऑफ देन ड्राई इन द सनलाइट देन फ्यू आवर्स देन योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी फॉर यूज। सो आपको क्या करना है इस गड्ढे को खोलना है और कंपोस्ट है ऊपर का वो रिमूव करने के बाद उसको ड्राई करने के लिए सन में फ्यू आवर्स थोड़े समय के लिए रख देना है। सो आपका वर्मी कंपोस्ट है वो रेडी है यूज़ करने के लिए। ओके द पार्ट ऑफ लेफ्ट इन देन पीट
has most of the worms in it. You can use therefore a preparing more compost or shed them with another use. आप इस वर्मी कंपोस्ट जो आपका रेडी हो चुका है उसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए. यूज द एक्सेलेंट वर्मी कंपोस्टिंग इन योर फूड गार्डन एंड देन फील्ड. इट इज़ नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. दोज ऑफ यू वॉन्ट देन एग्रीकल्चरल फीड कैन बी ट्राई देन वर्मी कंपोस्टिंग अ लार्ज पी. You can be save lots of money that is then spent of then burying expensive chemical fertilizer and then manure for the market. So आपको क्या लगता है वर्मी कंपोस्टिंग एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है. इनको एक वेस्ट मटीरियल होता है उसका बेस्ट उपयोग यूज़ कहाँ पर होता है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए. सो आपको इसके लिए कोई ज़्यादा मनी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है. एग्रीकल्चरल फील्ड में भी यूज़ होता है. आपको इसके लिए कोई एक्सपेंसिव केमिकल फिल्टराइजर के भी ज़रूरत नहीं होती इन फार्मिंग के लिए. ओके, एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत अच्छा आप यूज़ कर सकते हैं. सो वर्मिंग कंपोस्टिंग में एक गड्ढा खोदा, उसके ऊपर उसके नीचे थोड़ा मॉइस्चर बनाने के बाद वर्मिंग उसमें रेडवर्म्स डाल दिए. खाना देने के बाद दो या तीन वीक्स में देखना है उसके अंदर क्या होता है और फिर वर्मी कंपोस्टिंग तैयार होता है. सो आज का आपका होमवर्क है वन टाइम ब्राइट